हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनुष्का और आज मैं एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करूंगी जिसका यूज़ हमने कभी ना कभी किया ही होगा। इस प्लांट का यूज़ कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा होता है एंड बहुत तरह की मेडिसिंस में भी इसका यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये है मेरा एलोवेरा का प्लांट और आज मैं अपने वीडियो में बताऊंगी एलोवेरा की केयर कैसे करनी है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एलोवेरा एक सक्यूलेंट प्लांट है। इसके लिए सॉइल सक्यूलेंट सॉइल मिक्सचर की तरह होनी चाहिए, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा भुरभुरी होनी चाहिए, सैंडी सॉइल होनी चाहिए जिसमें कि वाटर ज़्यादा टाइम तक स्टोर ना हो सके। आप मेरे प्लांट पे अभी बहुत ज़्यादा वाटर देख रहे होंगे, वो इसलिए क्योंकि मैंने अपने प्लांट को वॉश किया है और मैं, जैसे कि विंटर स्टार्ट हो गए हैं तो 3 to 4 days में ही वाटरिंग कर रही हूँ। मैंने अपने प्लांट को एक वेस्ट मटेरियल में लगाया हुआ है, एक टूटे घड़े में, और मैंने इसमें एक छोटा सा प्लांट लगाया हुआ था। ये अभी 2 साल का हो गया है मेरा प्लांट और इसमें कई सारे छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स निकले थे जिनको मैंने अलग अलग पॉट्स में लगा दिया या कुछ मैंने लोगों को दे दिए। ईजी टू ग्रो प्लांट है, इसकी कोई केयर की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें किसी फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती। आप इसमें स्प्रिंग सीजन में सिर्फ साल में एक बार ही काउडंग कंपोस्ट या कुछ भी, आपके पास बोन मील हो, आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो, कुछ भी 1.5 मुट्ठी 2 मुट्ठी आप डाल सकते हैं। बाकी इसमें किसी तरह की कोई भी नीड नहीं होती है किसी फर्टिलाइज़र की। मैं एलोवेरा लीव्स को अपने हेयर पे और अपने स्किन पे यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने अपने प्लांट से बहुत सी लीव्स कट की हुई हैं। एलोवेरा एक एयर प्योरीफायर प्लांट है, ये हार्मफुल एलिमेंट्स को अब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए आप इसे इंडो में भी लगा सकते हैं। आप इसे रूम में, बेडरूम में, किचन में, गैलरी में, बालकनी में, कहीं भी लगा सकते हैं जहाँ पर विंडो हो और वहाँ से उसको थोड़ी बहुत सनलाइट मिल सके, जिससे कि ये प्लांट सर्वाइव कर सके। एलोवेरा एक ज़ीरोफिटिक प्लांट है, यानी कि ये रेगिस्तान में रेत वाली जगह पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होती है उसमें भी ये प्लांट सर्वाइव कर लेता है। विंटर्स में अगर आपके प्लांट की लीव्स रेड या ब्राउन हो रही हैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। आप अपने प्लांट में वाटरिंग करना थोड़ा कम कर दीजिए, 3 to 4 days में वाटरिंग कर दीजिए विंटर्स में, और अपने प्लांट को किसी शेडेड एरिया में शिफ्ट कर दीजिए। आप ये देख सकते हैं, मैंने 2 बेबी प्लांट्स को एक छोटे से पॉट में लगा दिया है। ये भी एक वेस्ट मटेरियल से, एक बॉटल से मैंने बनाया हुआ है पॉट और मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया है। मैं इसमें वाटरिंग बहुत ही कम करती हूँ क्योंकि ये एक प्लास्टिक बॉटल है और इसमें वाटर जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, इसलिए मैं 4-5 days में ही वाटरिंग करती हूँ या जब नीड होती है तभी करती हूँ। और आप देख सकते हैं मेरा प्लांट काफ़ी हेल्दी है। ये तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें एलोवेरा प्लांट के बारे में। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक ऐसा एलोवेरा पैक बताने वाली हूँ जो मैं एवरी वीकेंड यूज़ करती हूँ। ये मेरे बालों को और मेरी स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करता है और बहुत ही ईजी है, इसमें किसी भी प्रकार के किसी केमिकल का यूज़ नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कि अपने बालों को और स्किन को हेल्दी रखने के लिए ये बिना केमिकल वाला एलोवेरा पैक कैसे बनाना है।